कला, संस्कृति और विरासत से हमारा सरोकार सदियों पुराना रहा है। इन्हीं में से एक नाम है हैंडलूम। जी हाँ, हैंडलूम की कलात्मकता हमारी ऐतिहासिक धरोहरों में से एक मानी जाती है। बुनकरों के हाथों की महीन कारीगरी का ये नमूना आज भी अपने कारोबार और कुशलता के लिहाज से दुनिया भर में अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। I am told that handlooms form 15% of total cloth consumption. If we raise this to just 20%, from 15% to 20%, it will give a huge boost to handlooms. Handloom turnover will increase by 33%. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें प्रमुख हैं मेगा एवं ब्लॉक लेवल क्लस्टर योजना, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, हैंडलूम मार्केटिंग एवं ई कॉमर्स योजना, बुनकर मुद्रा योजना, हथकरघा संवर्धन सहायता, कौशल उन्नयन योजना, यार्न आपूर्ति योजना, बुनकरों एवं उनके बच्चों की शिक्षा योजना और बुनकर मित्र हेल्पलाइन। इन सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए ही हैंडलूम सेक्टर ने देश में सकारात्मक वृद्धि दर्ज कराई है। यहाँ के बुनकर जो थे पहले तो वो लायलन पे काम करते थे, नकली पे काम करते थे, और जब ये क्लस्टर हमको मिला तो हमने इन लोगों को असली का काम सिखाया, यानी सिल्क का काम सिखाया। और सिल्क के काम पहले ये 100 से 150 रुपये का काम करते थे, और आज के डेट में जब ये ट्रेनिंग लिए हैं, ट्रेनिंग के बाद मतलब इनका आय बढ़ गया है। हमें जो बीच वाला बंदा होता है उसको पैसे देने पड़ते थे, जब से क्लस्टर चला ये फायदा हमें मिला, हमें उसको पैसे नहीं देना पड़ता है। हथकरघा उत्पादों की बिक्री को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सरकार ई कॉमर्स का व्यापक स्तर पर प्रयोग कर रही है, इससे बुनकरों की आय में वृद्धि हुई है। भारत सरकार केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की ओर से हमने एक जीआई मिला है, वो जीआई के वजह से हमने जो टांगल या प्रोडक्ट है हमारी वो पूरे भारत में बेचता है। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया हैंडलूम ब्रांड का शुभारंभ किया गया। बुनकरों और उनके बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के बुनकर परिवारों और महिलाओं द्वारा इग्नू और एनआईओएस में कोर्स के लिए जमा की गई फीस की 75% राशि कपड़ा मंत्रालय द्वारा लौटा दी जाती है। बुनकरों की समस्याओं के निदान के लिए बुनकर मित्र हेल्पलाइन वर्ष 2017 से चलाई जा रही है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-208-9988 की व्यवस्था की गई है, जो कि 7 क्षेत्रीय भाषाओं में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सप्ताह के 7 दिन खुली रहती है। यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत हैंडलूम एजेंसियों को सभी प्रकार का यार्न उपलब्ध कराया जाता है। बुनकरों को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति के साथ साथ एजेंसियों की मिल से गोदाम तक यार्न की आपूर्ति में शामिल परिवहन खर्चों के अलावा हैंक यार्न के जरिए अतिरिक्त 10% की सब्सिडी भी दी जाती है। ऐसी और भी बहुत सी योजनाएं हैं जिनके जरिए भारत सरकार हथकरघा उद्योग और उससे जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से सबल बनाने का कार्य कर रही है। हथकरघा संवर्धन सहायता से मुझे जेकार्ड मिला। जेकार्ड मिलकर मैंने अपने कपड़े में नया नया डिजाइन बनाया हूँ और उसके बेचकर मैं खुद स्वावलंबी हो सका हूँ। इसी कड़ी में पिछले वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल केंद्र को बुनकरों को समर्पित किया। साथ ही बुनकरों की मदद के लिए 600 से ज्यादा हस्तकला सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक 1.5 लाख से ज्यादा बुनकर हिस्सा लेकर लाभ प्राप्त कर चुके हैं। सरकार के इन्हीं सकारात्मक प्रयासों के जरिए जहां हमारे देश में बुनकरों के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है, वहीं सदियों पुरानी हथकरघा कला को एक नई दिशा मिल रही है। सरकार ने हमें 90% दिया और मेरी तरफ से सरकार को 10% दिया। मेरी मंथली इनकम थे 2 से 3 हज़ार, अब मेरी मंथली इनकम है 6 हज़ार। इसलिए भारत सरकार को मैं मेरी तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। नमस्कार।